नयागढ़, कंधमाल और गजपति जिलों में अलग अलग स्थानों पर तूफान और बिजली गिरने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर भारतीय तटरक्षक बल भी हाई अलर्ट पर हैं और उससे चक्रवाती तूफान से उत्पन्न होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अपने जहाजों और विमानों को तैनात कर दिया है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अलग अलग जगह की, किस तरह से तूफान ने हाहाकार मचा रखा है। दाना तूफान के दस्तक किस हाहाकार मचा रखी है पूरी से तूफान का ये आगाज, ये तस्वीर आपके सामने, फिर लोगों को हटाया गया वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही साथ कई राज्यों में इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। ये भी आपको बताएं कि NDRF तैनात है, सक्रिय पूरी तरह से दस्ता है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जाए, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए और किसी भी तरह की अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो सके। भीतरकनिका का मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसके ऊपर से ही आज गुजरेगा सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना और वहां पे लैंडफॉल होने से पहले जो यहाँ के जो मछुआरे हैं इस एरिया में ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो सब मछुआरे ही हैं और मछुआरे के जो बोट है उनका, उस बोट को सुरक्षित करने का जो आखिरी मोमेंट है वो ही है, क्योंकि इस बीच हमने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितनी जल्दी हो सके उनको यहाँ से हटा के एक सुरक्षित जगह पे ले जाने का कोशिश भी जब चल रही है, तब ये मछुआरे लोग जो है जिनका काम पूरी तरह से चलता है इस बोट्स के ऊपर, इस ट्रॉलर्स के ऊपर, उन लोगों ने अभी भी यहाँ से जाने से एकदम आखिर मोमेंट तक यहाँ पे अपने बोट, अपने ट्रॉलर को यहाँ पे सुरक्षित करने का जो काम है वो काम अभी भी वो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। भीतरकनिका का जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसके अंदर अभी जो क्रिक्स है उस क्रिक के बहुत अंदर तक ऐसे ही ये बड़े बड़े जो ट्रॉलर है उन सबको लाया गया है और ऐसे ही एक दूसरे से रस्सी से बांध दिया जा रहा है इन सब ट्रॉलर, इन सब बोट्स को। जैसे कि देख रहे हैं कि जब नॉर्मल समय पे इन ट्रॉलर्स को यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है तो नॉर्मली एंकर डाल के यहाँ पे ही खड़ा कर दिया जाता है इन बोट्स को, लेकिन इस बार जो किया जा रहा है यहाँ पे रस्सी से एक बोट को दूसरे से और दूसरे को तीसरे से ऐसे ही पूरी तरह से हर बोट को अपने आप